हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पेपर में आप कभी प्याज लपेटे हैं? नहीं तो लपेटते ही चौक जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, साथ ही साथ समय की बचत हो जाएगी। फ्रेंड्स, पहला टिप्स है किचन से लेकर। किचन में इस तरीके से सुबह शाम हम रोटी बनाते ही हैं और काम हमारे जो है किचन में बहुत बढ़ जाता है। किचन में जाते ही हमें घंटों लग जाता है फ्रेंड्स, और साफ सफाई करने में, खाना बनाने में। तो आज जो टिप्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा और आपका काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी इस तरीके से रोटियां बनाते हैं ना, आप किचन में न्यूज़पेपर रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, न्यूज़पेपर काम को बहुत ही आसान कर देता है। तो हमें बस करना क्या है, जब भी आप रोटी को बनाते हैं और चकला बेलन को रखते हैं इस तरीके से, तो आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर को एक बिछा लेना है। अब इस न्यूज़पेपर पर रख कर आप रोटी बनाते हैं ना, तो जितने भी आटा साइड में गिरेगा फ्रेंड्स, वो न्यूज़पेपर पर ही गिरेगा। उसके बाद रोटी बनाने के बाद आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को समेट दें, देखिएगा आपका किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। अगला है फ्रेंड्स, इस तरीके से साबुन से लेकर। अब हमें लेना है इस तरीके से साबुन, तो कोई सा भी साबुन आप ले सकते हैं, बट डिटॉल साबुन हो तो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अब हमें करना क्या है, लेना है एक साबुन और एक ग्राइंडर लेना है। इस तरीके से हमें कस करना है साबुन को। तो फ्रेंड्स, आपको ज्यादा लेना है, ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा ले सकते हैं, नहीं तो आप जितना भी बनाना चाहते हैं, तो ये हम इतना लिए हैं, इतना हमारे लिए काफी है। फ्रेंड्स, आपको भी थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, बस इसको कस कर लिए हैं। उसके बाद हमें इसमें मिलाना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेना है, आपके घर में कोलगेट है ही, आप इस तरीके से हल्का सा कोलगेट लेना थोड़ा सा, और हमें कोलगेट ही लेना है वाइट वाला, ठीक है। और अब हमें इसमें मिलाना है थोड़ा सा डिटॉल। अब ये डिटॉल थोड़ा सा लेकर हमें डाल देना है, ज्यादा नहीं लेना है फिर हल्का सा, नहीं तो फिर ये गीला हो जाएगा ना, तो फिर ये नहीं बनेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसे गीला भी नहीं करना है, तो हल्का सा डालना है, और इसमें पानी उनी भी नहीं डालना है फिर, ये बात का ध्यान रहे। और यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे। तो देखिए, मिलाने के बाद हमें करना क्या है, एक इसे बॉल जैसा हमें बना लेना है तीनों चीज को मिलाकर। अब हम यूज कहाँ पे करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को बताते हैं। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, बहुत ही ये जो है ना बनकर तैयार होता है, इससे हमारे मेहनत की भी बचत होती है। और फिर हमें यहाँ पे लेना है एक अल्मोनियम पेपर ले लेना है, और इसमें डालकर हमें बॉल्स जैसा बना लेना है। तो दो बनाए हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, आप एक भी बना सकते हैं, हमें दो का जरूरत था तो दो बना लिए हैं। अब ये बॉल्स को हमें करना क्या है, ये देखिए, इसे आपको कोई चीज ले ले, उसके बाद इसमें हल्के हल्के इस तरीके से छेद कर दें, चारों तरफ करना है फ्रेंड्स, ताकि इसमें छेद कर दिए हैं ना, तो इससे जो है अच्छे से खुशबू निकलता रहे। बस अब हमें इस करना क्या है, टॉयलेट में जाकर जो है फ्लक्स होता है ना, उसमें डाल देना है। जब भी हम फ्लक्स करेंगे तो इससे एक अच्छा ही स्मेल आएगा फ्रेंड्स, और फिर जो है बार बार हमें साफ करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। प्याज से लेकर है फ्रेंड्स, प्याज इस गर्मी में प्याज बहुत ही सड़ता है और गलता है फ्रेंड्स, जब भी हम लाकर ज्यादा रख देते हैं तो प्याज जो है सड़ने लगता है और बहुत ज्यादा बर्बाद भी हो जाता है। आप नीचे में भी बिछा कर रखते हैं फ्रेंड्स, तो वो उस पर भी सड़ने लगता है, या फिर आप डलिया में भी रखते हैं तो प्याज सड़ना स्टार्ट हो जाता है। बस आपको करना क्या है, एक न्यूज पेपर लेना है, उसके बाद इस तरीके से सारे प्याज न्यूज पेपर पे ही रख देना है। इसमें जो नमी छोड़ेगा ना फिर वो पेपर सोख लेगा, इसके वजह से हमारा प्याज बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। तो 6 महीना तक आप इसे फ्रेश रख सकते हैं। आप नीचे में भी बिछा कर बहुत सारे प्याज रख रहे हैं ना, तो एक न्यूज पेपर बिछा दें, उसके बाद ही रखें। अगला है इस तरीके से लौकी से लेकर। अब लौकी की सब्जी तो आप बहुत ही खाए हैं,
बहुत ही तरह तरह के रेसिपी बनाकर खाए हैं फ्रेंड्स। बस हमें करना क्या है, लौकी लिए हैं एक और लौकी को कस कर लिए हैं। कस करने के बाद ग्राइंडर से कस किए हैं और यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिए हैं। यहाँ पे चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। अब ये हल्का सा गर्म होगा और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लौकी को कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसको हमें चलाकर ढक देना है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें पानी भी नहीं डालना है और फिर हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इस तरीके से चूल्हे पे चढ़ाकर और हमें ढक देना है। अब इसे हमें 5 मिनट के लिए इसी पे हमें सिझाना है। जैसे लौकी जो है ना उसको हमें अच्छे से सिझा लेना है। तो ये कस किया हुआ है ना, तो ये बहुत ही अच्छे से जल्दी गल जाता है फ्रेंड्स। और ये देखिए इस तरीके से हमारा सारा पानी जो कद्दू का है वो सोख लेगा ना फ्रेंड्स। उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये है। एक दो बार हमें इसे चलाना पड़ा है और ये बहुत ही अच्छे से सारा पानी इसका जब सूख जाए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहे, उसके बाद हमें निकाल लेना है। अब हमें चूल्हा के पास आए हैं। अब यहाँ पे हम चढ़ा लिए हैं कलछुल, उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल। और फ्रेंड्स इसमें हमें डालना है छौंक लगाने के लिए मिर्च डालना है, जीरा डालना है और फिर हमें राई डालना है। थोड़ा सा हमें कढ़ी का पत्ता भी डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि कढ़ी का पत्ता जो है स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम बनाने क्या जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगा और बच्चे भी मांग मांग कर इसे खाएंगे। एक बार आप इस तरीके से बना लेते हैं ना। अब ये जो है हमको लौकी और दही को मिलाकर, लौकी को मिला दिए हैं, उसके बाद तड़का लगा दिया है, इसमें सारा मसाला दिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, काला नमक और जो आप व्हाइट वाला नमक खाते हैं वो भी डालिए। ये सब डालकर मिला लीजिए, हरी मिर्च, करी पत्ता, उसके बाद आप खाइए फ्रेंड्स। ये इतना अच्छा लगेगा ना रायता, आप सब्जी नहीं इसके सामने सब्जी भी फैल हो जाएगा। आप एक बार इस तरीके से बनाकर खाते हैं तो आप बार बार बनाने का मन करेगा फ्रेंड्स। आज का वीडियो आप लोग को पसंद। तो फ्रेंड्स ये एक बार आप बना लेंगे ना तो सब्जी बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बच्चे को लौकी पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बनाते हैं तो बच्चे को भी पसंद आएगा और वो बहुत ही चॉइस से खाएंगे। तो ये रायता बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, खाने में इतना टेस्टी लगता है ना क्या बात। थोड़ा आपको इसके ढीला करना है तो छाछ डाल दें कप, नहीं तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें आधा कप। तो फ्रेंड्स ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो मिलती हूँ कल का वीडियो में, तब तक के लिए बाय।